नमस्कार, वार पलटवार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया खरे। डॉक्टर्स, जिन्हें भगवान का रूप कहा जाता है, लेकिन इन्हीं डॉक्टर्स को निखारने वाली, इन्हीं डॉक्टर्स को हमारे सबके बीच में लाने वाली परीक्षा नीट में धांधली का मामला सामने आया था। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई थी। तीन याचिका दाखिल की गई थी जिसपे आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एग्जाम लेने से तो मना कर दिया है, लेकिन 1563 छात्र जिन्होंने याचिका दाखिल की थी उनके फिर से एग्जाम हो सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। वो भी छात्रों के मत के हिसाब से, अगर छात्र चाहे तो वो फिर से एग्जाम दे सकते हैं, यानी जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले हैं वो आप अगर चाहे तो फिर से एग्जाम दे सकते हैं, और अगर नहीं चाहे तो जो उनके ओरिजिनल मार्क्स है वो दिए जाएंगे। अब सवाल उठ रहा है कि इसे लेकर कहीं ना कहीं सरकार पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल उठा है। बार बार सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि शिक्षा मंत्री ने साफ कह दिया है कि इस पर कोई भी धांधली नहीं हुई है, बल्कि साफ सुथरी परीक्षा थी, लेकिन जो परीक्षा में जो प्रॉब्लम हुई थी, जो समस्या हुई थी, उस पर एक सुप्रीम कोर्ट ने समाधान निकाला है। छात्रों के मन के अंदर से डर को दूर करने का एक बेहतरीन उपाय निकाला है। इस पर क्या कुछ बयानबाजी हुई है और शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा है, पहले वो देखिए, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। तो पूरी तरह से इन्होंने इस देश के एग्जामिनेशन सिस्टम को मजाक बना दिया है। कारण क्या है? खुद अगर पढ़े होते, एग्जाम दिए होते, एग्जाम हॉल में बैठे होते तो समझ में आता कि एग्जाम स्टूडेंट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो लगभग अब ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें धांधली नहीं हो रही। वो अभी सामने आया है कि नीट के परीक्षा में एक बार फिर से धांधली हुई है, मतलब ये पहली बार नहीं हुआ है। और आप अगर इस देश में होने वाली परीक्षाओं को देखें तो लगभग अब ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें धांधली नहीं हो रही है। मतलब विद्यार्थियों ने तो सोशल मीडिया पे ये लिखना शुरू कर दिया है कि एक बार फिर लीकेज सरकार। ये आज सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत स्पष्टता के साथ ऑर्डर आई है, उसको मैं स्वागत भी करता हूँ। शायद उसके बाद नीट को लेके जो एक संशय और शंका, जो संशय और जो शंका सामने आई थी, वो आज समाप्त हो रही है। कुछ और विषय ध्यान में आइए, सरकार गंभीरता से उस विषय को ध्यान में लिया है। हमें पूरा पारदर्शिता, कुछ विषय कुछ लीक की भी आई है, कुछ रिट पिटीशन उसके ऊपर भी लगी है, सुप्रीम कोर्ट की संज्ञान में है, उसके ऊपर भी सरकार अपना स्पष्ट मत रखेगा। मेरे जितना जानकारी है, नीट एक कॉम्पिटेंट एग्जामिनेशन करने वाला अथॉरिटी बन चुकी है। तीन प्रेस्टिजियस परीक्षा होते हैं, नीट, जेई और सीयूईटी। इसमें से देश की 50 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स के हर एक साल अभी एग्जामिनेशन हो रहा है। विश्वसनीयता बड़ी है, इसलिए आने वाले दिनों में सारे प्रकार की शंका संशय को दूर करने के लिए और पारदर्शिता लिया जाएगा, और जो लोग उसमें कहीं ना कहीं एक आधा जगह पे कुछ गड़बड़ी करने का कोशिश कर भी रहे होंगे उनके ऊपर कार्रवाई भी लिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट की जो लार्जर प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के सामने है, सरकार अपना मत उसमें से स्पष्ट रहेगा। सर, जिसकी वजह से भाजपा के नेताओं के साठ गांठ से कुछ घोटाला होते हुए दिखाई दे रहा है, नहीं तो वो पूरा ट्रांसपेरेंट तरीके से जारी करे ना। इन्होंने बताया 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं, किस बच्चे को किस फॉर्मूला के तहत कितना टाइम लॉस हुआ, कितने ग्रेस मार्क्स मिले, पहले क्या थे, बाद में क्या थे। आप जब तक ट्रांसपेरेंट नहीं होगे पूरी तरह से, और फिर देश तय करेगा कि आपने सही किया या गलत किया। आज आप केवल बहाने दे रहे हो, जो सवाल पूछे जा रहे हो उनसे बच रहे हो, और जो पेपर लीक का मैटर था गुजरात और पटना में, उसमें तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा कि क्या पेपर लीक हुआ था भी नहीं हुआ था, और जो लोग अरेस्ट किए गए थे उनके साथ क्या हुआ फिर, तो इसके ऊपर भाजपा के पास कोई जवाब नहीं। हम देश के युवाओं के साथ, उनके भविष्य की लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं। हम जितना सपोर्ट कर सकते हैं, हम पूरी ताकत से इनको सपोर्ट करेंगे। तो नीट के एग्जाम को लेकर तरह तरह के बयानबाजी सामने आ गए हैं, लेकिन सवाल छात्रों के भविष्य का है।
इस तरह के जो बार बार धांधली की चीजें सामने आ रही है, हर एक बड़े बड़े एग्जाम में इस तरह की धांधली सामने आ रही है। अब नीट के एग्जाम में जिस तरह से धांधली की बात सामने आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने अपना बयान सामने रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कुछ हद तक छात्रों को राहत तो मिली है, लेकिन सवाल फिर भी छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। अगर इस पर लगाम नहीं लगाई गई तो आने वाले समय में स्थिति और भी भयावह हो जाएगी। तमाम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा करना जरूरी है और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पंकज सिंह बायोम इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जुड़े हुए हैं, विनय सिंह द ब्लैक बोर्ड इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जुड़े हुए हैं और अमरदीप झा एलिट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पंकज सिंह जी, आपसे सवाल रहेगा, जिस तरह से नीट की परीक्षा में धांधली देखी जा रही है, रुकना तो जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश सामने आ गए हैं, इससे क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, ये जो 1563 बच्चों का बात हो रहा है कि इन्हें फिर से एग्जाम देना होगा या फिर वो अपना ग्रेस मार्क्स छोड़ दें, तो हमें लगता है कि इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो एग्जाम देना ही नहीं चाहेंगे। बिल्कुल। और अगर वो एग्जाम देते भी हैं तो वो संख्या बहुत ही कम रहेगा और उसका रैंक पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि टॉप रैंक पे तो इफेक्ट पड़ भी जाए, लेकिन हर बच्चे का ये तो रहता है कि हमें अगर एम्स दिल्ली नहीं मिले तो मौलाना आजाद मिल जाए और लेडी हार्डिंग मिल जाए, बट नीचे जो जिनका मार्क्स जो पिछले 3 साल से और 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, उन्हें जरूर एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट चाहिए होता है जो कि उनके स्टेट में ही मिल पाता है। और स्टेट में इस बार जैसा कंडीशन लग रहा है कि पिछले बार जैसे 600 के आसपास के बच्चे को कॉलेज मिला, बट इस बार 640 और 645 से नीचे तो मार्क्स ही नहीं जा पाएगा, तो उन्हें तो कोई भी एक सिंगल कॉलेज पलामू और डाल्टनगंज पलामू और हजारीबाग या दुमका जैसे कॉलेजेस में भी एडमिशन नहीं मिल पाएगा। तो फिर इस 1563 बच्चे का एग्जाम लें नहीं लें, उससे तो कहीं कोई फर्क ही नहीं आना है। तो बेहतर ये होता कि आप जैसे कि जो पेपर लीक का बात है, एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है ये पेपर जो लीक हुआ है, उसके कारण से ही ये स्कोर बढ़ा है, क्योंकि पिछले सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ और ऐसा भी नहीं है कि पहले कभी एग्ज़ाम कैंसिल भी नहीं हुआ। 2015 में भी एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था यही पेपर लीक के कारण से, और हमें लगता है कि सबसे अच्छा तरीका ये था। अगर ऐसा नहीं हो सकता था तो दूसरा एक और भी प्रोविज़न था कि आपको पता है कि किस किस स्टेट में इस तरह के प्रॉब्लम हुए हैं या किस शहर में हुए हैं, तो उसे फाइंड आउट कीजिए, वहाँ के उससे पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है या फिर जहाँ से अरेस्टिंग हुई है, उन सब चीज़ों को देखते हुए फिर उन शहर में भी डिसाइड कर सकते थे कि वहाँ पर फिर से एग्ज़ाम करवाया जा सके। विनय सिंह जी, ये 1563 बच्चे सिर्फ एग्जाम दोबारा दे सकते हैं अगर उनकी इच्छा हो, यानी ग्रेस मार्क्स जो है वो तो हट जाएंगे, अब उनके ओरिजिनल मार्क्स मिलेंगे, लेकिन सवाल तो उन 24 लाख बच्चों का भी है। धांधली इस बात का गवाह बनती जा रही है, नहीं लगता है कि दोबारा एग्जाम सभी बच्चों का होना चाहिए ताकि निष्पक्ष एक रिजल्ट सामने आ सके? बिल्कुल सही बात है। आज हमको लगता है कि एनटीए का पहला गलती आज पकड़ा गया है और इतना मीडिया के द्वारा सवाल उठाने पे, बच्चों का सवाल उठाने पर आज कम से कम इतना हुआ कि एनटीए एक्सेप्ट किया कि जो 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया गया था वो सही नहीं था। और हमको लगता है कि अभी भी बहुत सारे बच्चे निराशा में हैं, क्योंकि बच्चों को दो तरफ का न्यूज मिल रहा है। एक तरफ बच्चे देख रहे हैं कि पेपर लीक हुआ था, बच्चे अभी भी अपने रिजल्ट को लेकर संशय में है, और सरकार या एनटीए ये मानने को तैयार नहीं है कि पेपर लीक हुई थी, जबकि ढेर सारा ऐसा पेपर कटिंग, ढेर सारा ऐसा चीज मिल रहा है जिससे ये क्लियर है कि बहुत सारे शहरों में पेपर लीक हुआ है। पटना में तो अरेस्टिंग भी हुआ है, कई सारे पेपर में क्लियर आ रहा था कि एक रात पहले ही बच्चों को आंसर तक रटवा दिया गया था। तो इतना सब कुछ आने के बाद सामने आ रहा है, फिर भी आखिर एनटीए इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है कि पेपर लीक हुआ है? और बच्चों को, हमारी यही मांग है मीडिया के द्वारा कि कम से कम बच्चों को सुना जाए और बच्चों के लिए एक निष्पक्ष परीक्षा कराया जाए ताकि हर बच्चों को जो डिजर्विंग है उनको उनके मेहनत के अनुसार मेडिकल कॉलेज मिल पाए। अमरदीप झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरदीप सर, बच्चों के भविष्य की बात तो होती ही रहेगी, लेकिन जिस तरीके से रिजल्ट सामने आ रहे हैं, मेरिट की भी बात बहुत बड़ी है, क्योंकि जो बच्चे अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं, जिनमें हुनर है, जिनमें काबिलियत है, उन वो बच्चे कहीं ना कहीं इस धांधली में पीछे रह जाते हैं, और जो जिन्हें मेरिट के हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलना चाहिए उनके रिजल्ट अच्छे हो जाते हैं।
अच्छे कॉलेजों में उन्हें दाखिला मिल जाता है, इंस्टीट्यूट में दाखिला मिल जाता है, एक बड़ी समस्या है ये। जिस दिन चल रहा था इंडिया में, उस दिन ही कोटा का बगल एक शहर हवाई माधोपुर और पटना में उस पेपर जो है वो मिला है, और इसने जब गवाही ली है तो गवाही देने वाले बच्चों ने स्वीकार भी किया है कि हाँ उनको क्वेश्चन मिल चुका है दिन पहले ही, और चिट्ठी हुई है, और आज के इतना इंटरनेट है तो किसी भी चीज को वायरल होने में और इंडिया में वायरल होने में कितने सेकेंड्स मिनट का समय लग सकता है, तो गीगर ही है इस बात की। दूसरी समस्या ये है कि जो बच्चे तैयारी करते हैं, जो बच्चे बुरी तन्मयता से मेहनत कर रहे होते हैं, उन्हें बहुत बड़ा आघात मिलता है, आघात पहुंचता है कि उन्हें आपको प्रमाणित करेंगे। हम लोग बोलते हैं मतलब में विजेते एक सत्य ही जीतता है, सत्य ही अगर जीतता है तो कोर्ट ने ये निर्णय जो लिया है कि 1563 बच्चों का ग्रेसिंग खत्म किया जाएगा या उन बच्चों का एग्जामिनेशन लिया जाएगा, और 720 में 720 नंबर एक ही सेंटर से 6 बच्चों का आ रहा है नीट के एग्जामिनेशन में, ये बहुत बड़ी बात है। और ये मुद्दा सिर्फ एक विद्यार्थी का नहीं है, ये मुद्दा किसी शिक्षक का या गार्जियन का ही नहीं है, ये मुद्दा आने वाले पीढ़ियों के लिए है। जब एग्जामिनेशन जैसे चीजों को लेकर के उनकी आस्था ही टूट जाएगी, उनके मन में आशा ही नहीं रहेगा कि हम पढ़ाई जो कर रहे हैं इस पढ़ाई को लेकर के हमें जहां तक पहुंचना है कोई आदमी कुछ गलत तरीकों से ही पहुंच सकता है। और हमें कहते हुए थोड़ा भी शंका नहीं है या संकोच नहीं है, इसमें बड़े उच्च अधिकारी लोग भी लिप्त हैं इस चीज इस कार्यक्रम में, एनटीए के लोग जुड़े हुए हैं, इतनी बड़ी होने के बाद भी ये खानापूर्ति नहीं किया जाता। 1563 बच्चों का एग्जामिनेशन हो सकता है, और जो तमाम बातें सुनने को मिल रही हैं ये सभी सुप्रीम कोर्ट के लतारने पड़ी सारी बातें एनटीए की तरफ स्वीकार की गई, इससे सौहार्द का माहौल जो हुआ करता था उसमें बिगड़ेगा, और सबसे गलत इम्पैक्ट पड़ेगा उन बच्चों पर जो अगले साल एग्जामिनेशन देने वाले हैं, उन्हें भी लगेगा कि ये तो बहुत धांधली है, एग्जामिनेशन की जो पारदर्शिता है उसको लेकर जो आस्था थी लोगों में वो तो कहीं ना कहीं डगमगाई जरूर है। सरकार को चाहिए कि वो करे निर्णय ले और एग्जामिनेशन को लेकर बहुत चाक चौबंद और दुरुस्त उपाय किए जाए जिससे कि इन चीजों पर लगाम लगाए। बिल्कुल पंकज जी, आपके पास आती हूँ, हमें समझने की जरूरत है आखिर इस तरह की जो धांधली हो रही है इस पर कैसे रोक लगाया जा सकता है और सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, यह आपसे बेहतर शायद कोई और समझा पाए। देखिए ये प्रॉब्लम जो है ना, इतने कैंडिडेट्स इस एग्जाम में बैठ रहे हैं कि ये हमेशा ही प्रॉब्लम आते रहेगा, इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। और हमें लगता है इंडिया में लगभग पेपर्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं से लीक हो ही जा रहे हैं, इसके लिए प्रॉपर एक लॉ बनाना जरूरी है और स्ट्रिक्ट लॉ बनाना जरूरी है ताकि इस तरह की चीज़ें नहीं आए। दूसरा ये है कि अगर आज ये पेपर लीक हुआ है और कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के द्वारा ही ये अगर वो चाहे तभी ये हो पाया, ऐसे तो होता नहीं, कोई लेने वाला ले रहेगा तभी ये पेपर भी लीक होता है। जहाँ तक हमने भी सुना है कि 40 लाख और 50 लाख में ये पेपर बिके हैं, तो कल के दिन अगर ये एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए और उनके पैसे जो है वो 40 से 50 लाख अगर डूब जाए ये पैसा, तो फिर क्या है कि आगे आने वाले टाइम में पेरेंट्स भी डरेंगे कि नहीं हमें पेपर नहीं लेना है किन्हीं से भी, वो अगर पेपर लीक होता है तो कैंसिल भी हो जाता है। तो हमें लगता है कि इस तरह का एक स्टेप लेना ही पड़ेगा ताकि आगे आने वाले टाइम के लिए ये एक उदाहरण बन के एग्जाम्पल्स बन के रहे। दूसरा ये कि जब इस तरह का एक बड़ा एग्ज़ाम होता है तो आपको इसे दो फेज में बांट देना चाहिए, जैसा कि जेई वगैरह में कई फेज में एग्ज़ाम होता है तो नीट के एग्ज़ाम में भी कई फेज में करना चाहिए, या फिर पहले जो एग्ज़ाम हुआ करता था AIPMT का उसमें PT मेंस का जो तरीका था, हमें लगता है ये सबसे बेस्ट तरीका था कि आप पहले ही 6 times बच्चे को ले लेते हैं कि इतने बच्चे को हम लोग अलग कर ले रहे हैं और इतने बच्चे को हम लोग स्क्रीनिंग करके अलग करेंगे। और हमें लगता है कि इससे क्या फ़ायदा है कि वो जो टोटल बच्चे हैं वो हर एक शहर में उसका सेंटर हो सकता है, बट जो मेंस मतलब सेकंड जो फेज का एग्ज़ाम हो उसे राजधानी में
ही अगर कंडक्ट करवाया जाए या कैपिटल जो प्रॉपर सीबीएसई का स्कूल हो उस शहर के सबसे बेस्ट स्कूल हो उसमें करवाया जाए, उस पर प्रॉपर मॉनिटरिंग किया जाए, तो शायद ये चीज़ें नहीं आएंगी आगे से। विनय सिंह जी, कितने इस बात पे आप मतलब रखते हैं कि नहीं, ये जो बात अभी पंकज जी ने कही बिल्कुल सच कही, ऐसा होना जरूरी है। दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि अभी जिस तरह से पंकज जी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ दोषी जो है गवर्नमेंट है या अधिकारी है, बल्कि उन स्टूडेंट्स के माँ बाप भी हैं जिन्होंने ये पेपर खरीदा है। अब सवाल यह है कि इन्हीं सब बच्चों के बीच से डॉक्टर्स चुन के आते हैं जिन पर हम और आप भरोसा करते हैं कि शायद जब हमारे परिवार के लोग बीमार पड़ेंगे तो ये डॉक्टर भगवान का रूप बनकर आएंगे और हमारे परिवार के सदस्य को बचा लेंगे। लेकिन अगर इस तरह से धांधली हो रही है तो कहीं ना कहीं वो जो नॉलेज होने चाहिए डॉक्टर में वो अभाव रह जाती है। उन सब के बीच से ऐसे डॉक्टर्स निकल कर सामने आते हैं जिन्हें नॉलेज भी नहीं रहती है। बिल्कुल, पंकज सर ने बिल्कुल सही बोला और हमको लगता है कि यहाँ पर पूरी तरह से सरकार की विफलता है। सरकार आखिर कर क्या रही थी, प्रशासन क्या कर रहा था? एक दिन पहले पेपर लीक हो चुका था, एनटीए भी लगातार इस बात का अनदेखा करता रहा कि पेपर लीक हुआ है, बहुत सारे शहरों में एफआईआर हुआ, पुलिस एक्सेप्ट कर ली कि पेपर लीक हुई है, लेकिन आज तक एनटीए और पुलिस के बीच में पेपर का ही आदान प्रदान नहीं हुआ है। कल हम किसी पेपर में पढ़ रहे थे कि पटना पुलिस ने एनटीए के अधिकारियों से मूल प्रश्न पत्र मांगा और 15 दिन से ज्यादा हो चुका है, अभी तक एनटीए पुलिस को मूल प्रश्न पत्र तक नहीं दे पाया है कि आखिर लीक हुआ है कि नहीं, ये कंफर्म हो सके। तो हमको यहाँ पर पूरा लग रहा है कि ये जो धांधली हुआ है इसमें एनटीए के अधिकारियों का मिलीभगत है और वो किसी को बचाने के लिए झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। जब एनटीए के डायरेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो उन्होंने बताया भी था कि टाइम को टाइम के साथ कंपनसेट करना होता है। बिहार में जब एक स्कूल में लेट हुआ, एक घंटा लेट से परीक्षा शुरू हुआ तो वहां के बच्चों को एक्स्ट्रा समय दिया गया, लेकिन आखिर क्यों कुछ चुनिंदा शहर के बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया गया? सरकार को इस पे भी सवाल पूछना चाहिए एनटीए के अधिकारियों से कि आखिर ये दोहरा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है। रहा बात पेपर लीक का, तो पेपर लीक के वजह से बहुत सारे बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। 3 साल 4 साल मेहनत करने के बाद नीट का परीक्षा देने के लिए बच्चा 7-8 से ही बच्चा सपना देखता है, माँ बाप सपना देखते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा। 2 साल बच्चा 11-12 में मेहनत करता है, कुछ बबच्चे ड्रॉप लेके मेहनत करते हैं और 3-4 साल का मेहनत एक झटके में खत्म हो जाता है। तो ये केवल बच्चों से जुड़ा हुआ नहीं है, एक मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा जो पिछला 4 साल से इस सपना के साथ जी रहा था कि इस बार मेरा 650 नंबर आएगा, हमको मेडिकल कॉलेज मिलेगा और मेरा डॉक्टर बनने का भी सपना पूरा होगा, लेकिन इस सब धांधली की वजह से उन बच्चों का सपना टूट रहा है। आखिर उन बच्चों की गलती क्या है जो 3 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं और सरकार की विफलता के कारण, एनटीए की विफलता के कारण उन बच्चों का सपना टूट रहा है, लाखों बच्चों का उम्मीद मर रहा है। नए बच्चे अब डरेंगे कि हम 2 साल 3 साल तैयारी करें कि नहीं करें, कितना मेहनत करें, हम 650 नंबर भी आ रहा है फिर भी कन्फर्म नहीं है कि मेरा एडमिशन हो पाएगा कि नहीं, हम डॉक्टर बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। तो मेरा यही मांग है कि जैसे जेई मेंस को फेज वाइज किया जाता है, ऑनलाइन किया जाता है, वैसे ये नीट को भी फेज वाइज कर दिया जाए तो वहां पर भी धांधली होगी लेकिन चांसेस कम हो जाएंगे। अगर सरकार जो कानून बना रही है उनका पालन हो, जैसे पटना में जो सॉल्वर पकड़ाया है, जो पेपर लीक करने का मास्टरमाइंड पकड़ाया है, वो पहले की परीक्षा में भी पकड़ा चुका था, अगर सरकार उसी समय ध्यान देती, जो बिहार टीचर का परीक्षा हुआ था उसमें भी वो पकड़ाया था, अगर सरकार उसी समय ध्यान देती तो आज ये घटना दोबारा नहीं होती। अमरदीप सर, अब जब फिर से ये 1563 बच्चे एग्जाम देंगे तो कहीं ना कहीं मेरिट लिस्ट में कुछ ना कुछ तो अंतर होगा, कितने चेंजेस होंगे और क्या लगता है क्या कुछ इफेक्ट पड़ेगा? और बात तो ये है कि जो बच्चे अभी पार्टिसिपेट किए थे उन बच्चों का जब ये ग्रेस खत्म हो रहा है तो एक सबसे बात चर्चा में ये आएगी यहाँ कि आप जो पहले से जिन बच्चों का एग्जामिनेशन लिए, जिन बच्चों का आपने एग्जामिनेशन ले रखा है, उन बच्चों के साथ इनका कट ऑफ लिस्ट कैसे निकाले? और सबसे बड़ी बात तो ये हो कि इसमें विरोध है, आक्रोश है इन चीज़ों का भी, और ये बहुत ही पटा है। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट के बातों को सिर्फ दिखावा के लिए मानने का काम किया और इससे कोई लाभ नहीं मिलता वह दिखाई दे रहा है। जिन बच्चों का क्वेश्चन आउट हो गए थे, जिन लोगों ने अपना एग्जाम ले लिया, उनका तो नंबर आ ही गया है।
वो लोग तो 720 में 720 नंबर लेके चले आए हैं और बड़ी समस्या की बात है, ये बड़ा उहापोह की स्थिति है। इसमें अब कुछ क्या कहा जाए, जब सुप्रीम कोर्ट ही नहीं कह दिया कि इस तरह की बातें होंगी तो अब कोई क्या कर सकता है। तो याचिका दायर किए थे सुप्रीम कोर्ट में और उसके आधार पर निर्णय आया है। ये नहीं होना चाहिए था, होना कुछ और चाहिए था। होना ये चाहिए था कि जहाँ जहाँ घटनाएँ हुई हैं, जहाँ जहाँ क्वेश्चन पेपर मिले हैं, जिन जहाँ से गवाही मिली है उन लोगों को खोजना था, उन लोगों को कार्रवाई करनी थी, कुछ सेंटर कैंसिल होने चाहिए थे, उन सेंटर पे एग्जामिनेशन फिर से लिए जाते या दोबारा नीट का एग्जामिनेशन हो जाता। सबसे बेहतर तो यही होता। दोबारा ऐसा हुआ है, हमें याद है 2017 में ऐसा हुआ था, 2016 में ऐसा हुआ था कि दोबारा एग्जाम हुआ था, 2016 में दो बार एग्जाम नीट के, यही कारण। तो सरकार अपना पीठ थपथपाना चाहती है, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो भी चाहती है कुछ भी करके अपना साइड हो जाए, उसने आज बोल ही दिया है। तो अब तो इस मुद्दे पर हम लोग क्या बोल पाएंगे, लेकिन इससे बच्चों के जो मनोविज्ञान है उस पर बहुत ही गंदा असर पड़ रहा है, जो नहीं होना चाहिए। पंकज जी, बहुत बड़ी संख्या देखे, 67 स्टूडेंट को 720 मार्क्स मिले हैं और नीट की परीक्षा है, बहुत टफ एग्जाम होते हैं, इतने मार्क्स इतने आसानी से तो नहीं मिल जाएंगे, सब साफ समझ में आ रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी इसे एक्सेप्ट करने में बड़ा समय लगा दिया क्या? देखिए, कोई भी गलती करता है और जैसे एनटीए इतना बड़ा बोर्ड है और कई एग्जाम कंडक्ट करते हैं ये लोग, तो इनके विश्वसनीयता पे सवाल ना उठे, इसके कारण से ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे चीज़ों को। उन्हें पता था कि गलतियाँ तो हुई है, अगर गलतियाँ नहीं हुई रहती तो ये 4 तारीख को नीट का रिजल्ट पब्लिश ही नहीं करते। कभी भी पहले ऐसा नहीं हुआ है कि डेट के पहले, डेट तो कभी दिए ही नहीं आज तक कि हम इस डेट को रिजल्ट्स निकालेंगे नीट का खास करके, और इस बार भी 14th का डेट था और वो 4th को निकालने का मतलब ही है कि इन्होंने कुछ गलतियां उसमें देखी होंगी या किए होंगे, जिसको छिपाने के लिए इन्होंने 4 तारीख को ही रिजल्ट्स पब्लिश कर दिया। और रिजल्ट्स पब्लिश किया और उसके बाद ये कुछ ऐसे ऐसे गलतियां दिख गई उनके रिजल्ट्स में, जिसमें से ये 6 बच्चे एक ही सेंटर से और 67 स्टूडेंट्स को टोटल फुल मार्क्स दे दिए 720 मार्क्स। तो इन सब चीज़ों से ये चीज़ का पता लगा कि नहीं, इस रिजल्ट्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जिसके कारण से बच्चे और आक्रोशित हुए और आज यहाँ तक ये मुद्दा आ गया। विनय जी, एक तो पहला बात कहा गया कि लॉस ऑफ टाइम की वजह से ग्रेस मार्क्स दिए गए, दूसरी बात ये भी सामने आया कि कई सवाल ऐसे थे जो सवाल उनके बुक्स में थे ही नहीं, मतलब सवाल ही गलत दे दिए गए थे, जिसके आंसर बच्चे लिखते क्या और आंसर भी गलत लिखा हुआ था। ये एक बड़ी चीज है ना कि नीट का एग्जाम दे रहे हैं और आप बिना चेक किए क्वेश्चन पेपर दे देते हैं। बिल्कुल, फिजिक्स के क्वेश्चन में ऐसा प्रॉब्लम आया था जिसमें नया एनसीईआरटी और पुराना एनसीईआरटी में आंसर कुछ डिफरेंस था, उसकी वजह से भी कुछ बच्चों को नंबर एक्स्ट्रा मिला। लेकिन वास्तव में ये बड़ा बात है कि एनटीए जो इतना सारे परीक्षा लेता है वो इतना छोटा गलती कैसे कर सकता है। और एक चीज है कि जो ग्रेस मार्क्स दिया गया इसमें भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आज तक लोगों को पता नहीं चल पाया कि कितने बच्चों को दिया गया, बस इतना ही संख्या पता है किस तरीके से ग्रेस मार्क्स दिया गया, किस सेंटर पे कितना दिया गया, आखिर कोई बच्चा 15 मिनट लेट से आया तो उसको कितना समय मिला, इसके बारे में अभी तक एनटीए कुछ नहीं बता रहा है। एनटीए के हिसाब से कल तक एनटीए ये मान रहा था कि सब कुछ सही है, आज जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो कम से कम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं ग्रेस मार्क्स देने में गलती हुआ है। हमको लगता है कि जब और सघनता से जांच होगी तो एनटीए की और भी गड़बड़ियां सामने आएगी। और एक चीज हम और बोलना चाहेंगे कि एनटीए आज तक ये मान रहा है कि नहीं सब तक सब कुछ सही है, लेकिन बच्चे ये मानने को तैयार नहीं है। एनटीए के मतलब एनटीए जो अपना पक्ष रख रहा है उसमें हम बस यही बोलना चाहेंगे कि कोई किसी शायर का या कोई कवि है जो बोले थे कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। जो भी बस दावे बनाए जा रहे हैं इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। अमरदीप सर, सरकार तो ये दावा कर रही है कि धांधली नहीं हुई है, लेकिन एक तरफ जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और जिस तरह से छात्रों ने प्रदर्शन किया तो ये तो साफ हो जा रहा है कि धांधली हुई है। हालांकि गवर्नमेंट ने यह भी साफ किया है कि जो भी पेपर्स में धांधली हुई है उस पर सब पे जांच की जाएगी, कार्रवाई होगी, लेकिन बात यह है कि हर एक बड़े एग्जाम में इसी तरह से धांधली देखी जा रही है। अब सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए।
नहीं तो बच्चे का भविष्य इसी तरह से अधर में लटका रहेगा। और इससे भी ज्यादा जरूरत यह है कि बच्चों के माता पिता को भी इस मैटर पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप उन्हें पढ़ाई पर फोकस करने दे, ना कि इधर उधर की चीजों पर फोकस करेंगे तो ये हाल अक्सर ही बरकरार रहेगा। अगर इसके अंत में जाइएगा तो कुछ बातें क्लियर होंगी। कोरोना के समय के बाद से ही हर एक बच्चे के हाथ में मोबाइल आ गया है, और मोबाइल सबके हाथ में जो आया है ना, तो सभी जो है शॉर्टकट अब अपनाता है, सोच रहा है क्या ऐसा करें तो सफल हम हो जाएं। और कहा गया है कि इफ मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। हम आप यहाँ सब बैठ के जो बातें कर रहे हैं, जिस सोसाइटी के लिए चिंतन मनन कर रहे हैं, उस सोसाइटी का बड़ा भाग जो है जिन्हें मौके नहीं मिल पा रहे हैं वो ईमानदार है, जिन्हें मौके मिल जा रहा है वो ईमानदार बिल्कुल नहीं रहना चाहता है। सभी लोग चाह रहे हैं शॉर्टकट मिल जाए, जिनके पास पैसे हैं वो चाहते हैं कि बच्चों को पैसे से हम क्वेश्चन पेपर इकट्ठा करवा दें, जिनके पास पैसे नहीं है वो मेहनत कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कैसे भी अपने आप को हम क्वालिफाई कर लें। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारे बच्चों के साइकोलॉजिकल चीज़ों को प्रभावित कर रही है। मनोवैज्ञानिक रूप से लोग कमज़ोर हो गए हैं, लोग चाहते हैं कि हम कुछ भी करके तुरंत में अपने आप को सक्सेसफुल बना लें। तो ये तो बड़ा एक विषय है, इस विषय को अभी आप तो हम सभी लोग एग्जामिनेशन के क्वेश्चन आउट को देख रहे हैं या इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आने वाला दिन और गंदा होने वाला है, सरकार को उतने ही स्मार्ट तरीके से एग्जामिनेशन लेना होगा जो स्मार्टनेस और देशों में जो डेवलप्ड कंट्री हैं वहाँ होते हैं। आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी लेते हैं, उसमें बहुत तरह की धांधलियों के बारे में सुना जाता है, हालांकि उसमें धांधलियाँ थोड़ी कम है, इसमें धांधलियाँ कुछ ज़्यादा है। तो आपको तो ऐसा कुछ अब तैयार करना होगा, सजग होना होगा, और सरकार एग्जामिनेशंस को लेकर, परीक्षाओं को लेकर, सरकार या कोई पॉलिटिशियन कोई भी पार्टी सजग नहीं है। जो सरकार सत्ता में होती है वो बचाव की मुद्रा में होती है, जो पार्टियाँ विपक्ष में होती हैं वो आक्रमण की मुद्रा में होती हैं। कुछ ऐसे ही लोग हमारे ऐसे लोग होते हैं, आप ऐसे लोग होते हैं जो बातें करते हैं ये सही है ये गलत है। दरअसल मुद्दा दूसरा है, मुद्दा यह है कि बच्चों में पढ़ाई लिखाई को लेकर के आपने कहा कि गार्जियन को भी समझना चाहिए कि बच्चों को शॉर्टकट की बात नहीं सिखानी चाहिए, लेकिन ये बात समझने वाला है कि हम अपने बच्चों के अंदर ये देख नहीं पा रहे हैं कि बच्चा सच में एक डॉक्टर बनने लायक है या नहीं है, एक इंजीनियर बनने लायक है कि नहीं है, IAS IPS बनने लायक है कि नहीं है। लेकिन अपना शौक पाले हैं तो अपने शौक को पैसे के तराजू पर तोलना चाहते हैं और चाहते हैं कैसे भी बच्चे को, हमारे बच्चे के नाम पे दूसरा बच्चा बैठ जाए, हमारे बच्चे को उसमें पेपर मिल जाए। ये तमाम बातें वही हैं, तो इन बातों का कोई लेखा जोखा नहीं है। ठीक है, एक विषय है विमर्श का, ये विषय है एक चिंतन का, लेकिन इस विषय को बड़े गहराई में लेके चलना होगा। एग्जामिनेशन अगर लेना होगा सरकार को या किसी टेस्टिंग एजेंसी को तो उसे इतना ही स्मार्ट तरीके से विचार करना होगा कि ये जो क्रिमिनल माइंडेड बच्चे हैं, क्रिमिनल माइंडेड जो गिरोह है, ये जो गार्जियन हैं, वो लोग जितना सोच पा रहे हैं कम से कम आप एग्जामिनेशन को तो बचा सकें। बिल्कुल अमरदीप जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि मोबाइल अभी बहुत बड़ी समस्या बन गई है। छोटे से बच्चे को भी अगर देखें तो वो मोबाइल के अंदर घुसा हुआ है, और शायद यही वजह है कि बहुत हद तक बच्चा जो है कल्चर क्या है, पढ़ाई कैसी होनी चाहिए, इन सब से दूर होते जा रहा है। समय कम है इसलिए वाइंड अप सवाल आप लोगों से ले लेती हूं। पंकज जी, अंत में आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से, क्योंकि शायद नीट का एग्जाम जो दे रहे हैं उनके माता पिता और वो स्टूडेंट और आप लोग पढ़ा रहे हैं, आप लोगों से बेहतर और कोई नहीं जान सकता है कि ये परीक्षा अगर में धांधली होती है तो क्या समस्याएं आ सकती है और क्या सवाल खड़े हो सकते हैं। देखिए, अगर इस तरह के एग्जाम होंगे, कल ही हम एक बच्चे के साथ से डिस्कशन कर रहे थे, उनके यहाँ पे अच्छे पदाधिकारी हैं, वो करेंट ईयर इसी बार 12th बच्चा दिया है, 580 मार्क्स आया हुआ है। उनके पेरेंट्स से जब बात कर रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, हमें कहीं प्राइवेट कॉलेज में भी करवाना है, हमें इसमें नहीं पढ़ना है, अगले साल फिर से यही काम होगा, ये तो रुकने वाला है नहीं। जब तक इस पर ठोस निर्णय नहीं होगा तब तक तो ये प्रॉब्लम रहेगा ही। अब बच्चे का जहाँ तक बात करें तो 3-4 साल से जो तैयारी कर रहे हैं वो किसी तरह से, जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं वो किसी तरह से वो 650 नंबर तक पहुँच पाते हैं, और वो 4 साल उनका चला भी गया। अब इस मार्क्स पे भी उन्हें स्टेट का कॉलेज तक नहीं मिल पाएगा,
तो अगले साल वो किस उम्मीद से ही वो फिर से तैयारी करेंगे कि अगले साल वो पेपर लीक नहीं होगा और वो मार्क्स इसी तरह का नहीं रह जाए। वो हो सकता है कि अगली बार जब एग्जाम दें तो वो हो सकता है 670-680 पे भी उनको कॉलेजेस नहीं मिले, तो फिर आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। और हमें लगता है कि आने वाले टाइम में फिर डॉक्टर्स का कमी होना शुरू हो जाएगा, ऑलरेडी कम है, और आने वाले टाइम में भी बहुत सारे बच्चे जो है वो तैयारी छोड़ देंगे। विनय जी आप क्या बोलेंगे, कम शब्दों में जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, मैं बस ये बोलूंगा बच्चों को कि वो हौसला नहीं हारे, पढ़ाई करते रहे, ये चलते रहेगी। अगर जो अगला सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को, उसका वेट ना करें, आप पढ़ाई करते रहें, हौसला मत हारिए, सत्य का हमेशा जीत होता है, जितना आप जी। चलिए अमरदीप सर कम शब्दों में। देखिए आपके अंदर क्या है तो प्रकृति आपके लिए जरूर एक राह निकालेगी ही। आप अपनी पूरी तन्मयता से, अपने लगनशीलता से मेहनत करते रहें, और ये सभी चीजें जो हैं क्षणभंगुर हैं, टेम्पररी हैं, गलत रास्तों पे चल कर कोई सफल नहीं होता। परमानेंट जो सफलता जिसे कहते हैं वो कड़ी मेहनत, लगन और उचित मार्गदर्शन से ही। बिल्कुल, कड़ी मेहनत और लगन से ही सब कुछ हासिल हो सकता है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो वार पलटवार में आज सवाल यही था कि नीट की परीक्षा में धांधली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, 1563 बच्चों का फिर से एग्जाम होगा, एग्जाम दे सकते हैं लेकिन उनकी इच्छा पर, अगर वो एग्जाम ना देना चाहे तो ग्रेस मार्क्स काट कर जो ओरिजिनल मार्क्स है वो दिए जाएंगे। अब सवाल यह है कि बच्चे क्या ग्रेस मार्क्स काट के ओरिजिनल मार्क्स लेने में खुशी जाहिर करेंगे या फिर से एग्जाम देंगे। लेकिन उन 24 लाख बच्चों का क्या जो एग्जाम तो दे चुके हैं और इनके पेपर में भी धांधली हुई है। सवाल उन बच्चों का भी है जिनके पास मेरिट है, हुनर है, लेकिन कहीं ना कहीं धांधली की वजह से वो फंसे हुए हैं। इन तमाम सवाल है जिसका जवाब छात्र भी ढूंढ रहे हैं और देश की जनता भी ढूंढ रही है। सरकार को इन सब सवालों के जवाब देने होंगे और छात्र को हिम्मत से काम लेना होगा। बस इतना ही, आप देखते रहिए रफ्तार मीडिया। नमस्कार।